मध्य प्रदेश में मानसून थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन सागर जिले के रैली में मानसून ने ऐसी दस्तक दी कि लोग हैरान रह गए। रैली और आसपास के गांव में तेज हवा, आधी और तेज बारिश से लोगों के दिल खाप गए। रैली के पास सहजपुरी कला गांव में तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 29 बकरा बकरी आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आ गए और खाल के खाल में समा गए। जैसे ही तेज बारिश हुई, कई बकरा बकरी का झुंड जो संख्या में 29 और 30 था, एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी आकाशीय बिजली गिरी और 30 बकरा बकरी बिजली की चपेट में आ गए और काल के गाल में समा गए। श्री जी साइन बोर्ड एंड LED डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से LED बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्री जी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। पशु चिकित्सक विभाग मौके पर पहुंचा, जिसकी अब जांच की जा रही है। वहीं रैली के कई वार्डों में लोगों के छप्पर उड़ गए। रैली क्षेत्र के लिए बारिश, आंधी, तूफान आफत का मानसून साबित हो रही है। लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि बारिश के वक्त पेड़ के नीचे न खड़े हों। बारिश हो रही हो तो भींग ले, नुकसान नहीं होगा। किसी मकान या 3 शेड में खड़े हों, लेकिन पेड़ के नीचे कतई खड़े न हों। थोड़ी रात मौत वाली आफत भी बन सकती है। आकाशीय बिजली पेड़ों पर गिरती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, मैं पशुपालक और थाने से सूचना आई थी कि कुछ बकरियां वहां पर मृत हो गई हैं आकाशीय बिजली के लिए। तो वहाँ मौके पर जाके पाया गया है कि ये एक पेड़ के नीचे था, सहजपुरी से 2 किलोमीटर दूर जंगल में चलाने ले गया होगा व्यक्ति। तो व्यक्ति हैं इकबाल खान और काशीराम आदिवासी। ये एक दूसरे की बकरियां, मतलब एक कोई भगाई से लिए उनकी बकरी चला रहा था। तो एक पेड़ के नीचे बारिश और आंधी तूफान आया, वहाँ बारिश हो गई थी, तो एक पेड़ के नीचे सारी बकरियां इकट्ठी करके रोक दी। उसी पेड़ पर बिजली गिर गई। बिजली गिरी तो बिजली के शौक में धमस में लगभग 25 नग हैं, बड़ी बड़ी बकरी उसकी मृत हो गई। इनका पोस्टमार्टम किया गया, देखा गया, हम उनके तहसीलदार की उपस्थित हुई, हमारी टीम भी गई। बकरियाँ घायल भी थी कुछ, और जी कुछ बकरियाँ 10 से 12 बकरियाँ घायल थी जिनका इलाज किया गया था। बकरियाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं, बाकी बकरियाँ मृत हो गई। PM वगैरह जी उनका PM कर दिया गया है, बकरियों का, सारी बकरियों का लेकर गया है। और किसान से भी बताया गया है, जहाँ जिला साहब आए थे तो उसने मुआवजे के लिए मांग की है, तो कोशिश चल जाएगी। ये सामने जो बारिश में हवा तूफान टूट गई थी जिनके क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख के आसपास नुकसान। अच्छा, ये तो पूरी दिन के चली गई, इस तरफ से उस तरफ 2-3 दिन के 4 दिन के बाद बची है सामने। यहाँ से कुछ भी नहीं थी, सामान तक पूरा नष्ट हुआ। लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 10,000। अच्छा, ₹40,000-50,000 के आसपास। बाहरा रैली में तूफान आंधी की कुछ तस्वीरें जरूर देख लीजिए। और आपको बता दें कि 29 से 30 बकरा बकरी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और खाल के खाल में समा गए। आशुतोष, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रैली। श्री जी साइन बोर्ड एंड LED डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से LED बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्री जी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।